अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडियो में हम सब में से लेते हैं पाँचवा टॉपिक जो हमने स्टडी किया है वीडियो एडिटिंग का, वो है बेसिक्स ऑफ वीडियो एडिटिंग पार्ट टू। इसका ऑस्टम क्या है कि इंस्ट्रक्टर जो डिस्कस करेगा टाइप्स ऑफ वीडियो एडिटिंग। सबसे पहले जो है हम वीडियो एडिटिंग की डेफिनेशन जानते हैं, वो क्या है। वीडियो एडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग एंड रीअरेंजिंग वीडियो शॉर्ट्स टू क्रिएट अ न्यू वर्क। ठीक है, छोटे छोटे शॉर्ट्स को या पिक्चर्स को, जैसे घोड़े की तस्वीरें इकट्ठे करके हमने एक वीडियो क्रिएट की थी, वैसे ही जो है शॉर्ट्स को, छोटे छोटे शॉर्ट्स को इकट्ठा करके जो है बड़ी वीडियो बना लेना। टाइप क्या है, सबसे पहले तीन टाइप्स होते थे, फिल्म स्प्लाइसिंग, लीनियर एडिटिंग, नॉन लीनियर एडिटिंग। अब जो है लाइव एडिटिंग का भी जो है वो एडिशन हो गई है। अब फिल्म स्प्लाइसिंग क्या है, अर्ली स्टेज में ये होती थी, इसमें फिल्म रील होते थे जिस तरह कैमरे वाले रील वाले कैमरे होते हैं। वो व्यूलर 1924 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया, मॉडर्न तरीका जो है मॉडर्नाइज किया गया। ठीक है, 1924 में जो है फिल्म स्प्लाइसिंग का जो मटेरियल था उसको मॉडर्न किया गया। लीनियर एडिटिंग में जो है नॉट इंसर्टेड, कुछ भी इंसर्ट नहीं होता, सेकंड प्लेयर होता है, कंट्रोलर होता है, सोर्स जो है चार प्लेयर्स होते हैं जिनको इकट्ठे लगा दिया जाता है और एक प्लेयर जो है शॉर्ट्स रिकॉर्ड करता है। कोई भी सीन इसमें इंसर्ट नहीं किया जाता, सारा रिकॉर्डिंग जो है वो चारों की जो है मिल जाती है आपस में, क्योंकि चार शॉर्ट्स प्लेयर्स लगे होते हैं, लेकिन कोई भी मतलब के उसके अंदर डिलीट एडिट जो है वो नहीं किया जाता। नॉन लीनियर 90s अर्ली 90s में है, फिल्म का नया दौर आया था, यह ठीक है कंप्यूटर इन्वॉल्व हुए थे इसमें। लाइव एडिटिंग में क्या होता है, टॉर्च शो जैसे भी होते हैं, तीन से चार कैमराज लगे होते हैं, जब होस्ट बोलता है तो कैमरा उसकी तरफ चला जाता है और जब गेस्ट बोलता है तो दूसरा कैमरा उसकी तरफ चला जाता है। स्पोर्ट्स प्रोडक्शन में जो है 20 कैमराज जो है लगे होते हैं साथ में, विजन मिक्सचर्स भी होते हैं, कैमराज भी होते हैं, सब कुछ मिला कर जो है वो लाइव एडिटिंग होती है। कंक्लूजन क्या है, चार बेसिक्स टाइप्स ऑफ एडिटिंग जो है हमने लर्न की है आज। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे।